बचाने के लिए बैठे सूरज मात्रे और निकेश भगत पीटी सिलाई के माध्यम से घर बैठे। यह पहली गेंद, सेमीफाइनल स्टार्ट, ये रही आपके सामने। बैच की एज आई है वहां पर, गली के ढूंढने का प्रयास। विशाल पावनेकर, झंडा सामाजिक संस्था, पूरी दौड़ रही है। देखिए विशाल पावनेकर जैसे जैसे साल गुजरते जाते वैसे वैसे जवान हो रहे हैं, क्या करिश्मा पता नहीं चल रहा है। अरे ये किसमें है, ये किसमें है करण? तो ये गड़बंजाल है ये। ये देखिए बाला का टोला, दूसरी गेंद के ऊपर करारा झटका, 6 रन। तो 6 रन के साथ स्कोर 8 रन पर जाकर पहुंचा है। और केदार को सोचना होगा, क्योंकि जिसके मुंह से कल रात को शब्द निकले थे कि 80% हमारे ही एरिया में ट्रॉफी आएगी, लेकिन उसका यहां पर उलट, यानी कि हमारा ये सामने वाला मुकाबला करने वाला टीम का खेमा है ज्यादा बेटर है। तो यहां पर देखिए खुद जूनियर सीनियर कप्तान राजेश पावनेकर फील्डिंग लगाते हुए, इस वक्त 6 के साथ क्या होगा। ये देखिए ये गेंद को अच्छा प्रयास किया वहां पर विलास गोवारी, दौड़ता हुआ गेंद को उठाएंगे, फेंकेंगे, तजुर्बा है, प्रैक्टिस है, सब है, लेकिन 2 रन नहीं रोक पाए। ऐसी गेंदबाजी करनी होगी क्योंकि बाला को रोकना थोड़ा आसान नहीं है, मुश्किल है। और मुश्किल घड़ी जब हमारे सामने होती है तब मेहनत करना ज्यादा अच्छा होता है। ये देखिए ऊपर से उठा, यहां पर मौका होगा अजय पावनेकर, कैच को लपकने का प्रयास। ओ माय गॉड, 50 करने वाला खिलाड़ी मैदान के बाहर, आंख थू। अब क्या होगा? ओ माय गॉड, तुम तो टहर परदेसी, तुम तो डर परदेसी, नमंग साथ क्या निभाओगे। संतोष सुबह से तैयारी में था बैट लेकर, अब मौका मिला है। और जब संतोष के सामने विलास गेंदबाजी करेगा ना, तो साला मजा कुछ और है। जो दारू पीने वाले को भी नशा नहीं होगी ना, उतनी नशा इन दोनों को खेलते हुए देखने की ज्यादा आएगी। केदार ने फंसाया है, काफी बड़ा। ये देखिए लॉलीपॉप गेंद, उसी तरह यहां पर ढकेलते हुए गेंद गई सीमा रेखा की बाहर, 4 रन। चनिया निशान ट्रॉफी, हमारे दो बैल है, उनका नाम है, एक का नाम है चनिया, उसका नाम है निशान। तो पिछले 2 साल के पहले लॉकडाउन के पहले मुकाबले हुए थे अक्षर बिल्डिंग के सामने जो मैदान था। रन संख्या 14 हो चुकी है और अभी भी इस ओर की एक गेंद शेष है संतोष के लिए। ये देखिए काफी बढ़िया मुकाबला, दूसरे के टीम में खेलने वाला खिलाड़ी अब यहां पर गेंद उठाता हुआ करण। देखिए यहां पर क्या होगा, अब संतोष, अजय पावनेकर शायद आएंगे गेंदबाजी के लिए, विलास गवारी या अजय पावनेकर, संतोष के सामने गेंदबाजी करना मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। 15 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। चलिए ज्यादा वक्त नहीं लेना आपको, सुनू बताइए जरा, अनिकेत आए हैं, जितना वक्त जाएगा उतने और कम होंगे। वो देखिए वहां पर दादा, 15 रन पहले ओवर में, अच्छा टारगेट है, अच्छा समीकरण बनाते हुए पहले ओवर में। बाला ने बड़े स्ट्रोक लगाए, उसके बाद ऐसा लगा नहीं कि बाला मैदान से बाहर गया, क्योंकि संतोष आए, उन्होंने एक चौवा लगाया और गेंदबाज आया। अब अच्छी कद है, अच्छी हाइट है अजय पावनेकर, और जिसे हम कहते हैं अंकुर सिंह, अंकुर सिंह के चचेरे भाई है।
देखिए उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है ओपन से कम नहीं है। बुलनर टीम में कई ओवर उन्होंने डाले हैं, 7 से 8 से ज्यादा रन कभी नहीं दिए। हमें जानते हैं, सोनू जानता है, हम खेलते थे। और यहाँ पर फील्डिंग थोड़ा सजाते हुए देख सकते हो आप सोनू, यहाँ पर अंपायर की भूमिका, अनिकेत अंपायर की भूमिका। ये देखिए ऊपर से उठा, यहाँ पर आकाश दौड़ता हुआ, लेकिन संभावना कम है। टप्पे में उनको लगता है टप्पा क्या छे। देखिए अब आपको क्या करना है, फंटिया की टीम को मैं बताना चाहूंगा, सबके सब बॉल स्ट्राइक पे। संतोष और आने वाले नए खिलाड़ी खेले, वैभव को उधर रहने दो। ये देखिए ये दूसरी गेंद, ये लो, ये गई गेंद, वहां पर बालू है, टप्पा में उठाएंगे गेंद, फेंकेंगे तब तक। अब जाकर वैभव क्रिकेट के बेहतरीन बादशाह, हाइट कम है नांदगांव के। वो खिलाड़ी को आपने देखा जब चापे कर बंधु में ऐसे ही कद के खिलाड़ी खेलते थे। अब शायद अश्विन की याद हमें दोहराते हुए अब देख सकते हो यहाँ पर वैभव। ओ माय गॉड, क्या डिफेंस किया यहाँ पर, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में उठाया। ओ माय गॉड, और देखिए विकेट कीपर की भूमिका राजेश। देखिए कमर पे हाथ रखने वाले खिलाड़ी का फिटनेस बहुत कम होता है। अगली गेंद सोनू के, सॉरी सोनू के दाहिनी ओर से वहां पर विलास। और ये देखिए गेंद को उठाने का प्रयास, नहीं नहीं गए बेटे। हाँ अब देखिए विलास ऐसे खिलाड़ी है जो रोज इस मैदान पे प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको तजुर्बा है कहाँ पर गेंद जाएगी। संतोष देखिए जिन्होंने सब इस टूर्नामेंट को पानी दिया है, अब अगर पानी अपने गेंदबाजों को निकालने का है तो बड़े बड़े स्ट्रोक खेलने होंगे। ओहो ये देखिए गेंदबाजी करते वक्त आवाज आ रही है, जैसे के मूठिया और बड़े बड़े खिलाड़ी जैसे आवाज निकालते, वैसे अजय पावनेकर की आवाज निकालते हुए, क्या बढ़िया गेंदबाजी यार। हा। और उदेश अब वही सोच रहे हैं इधर गिनना है। ये देखिए ये गेंद को फेंक दिया बाउंड्री लाइन के बाहर, वन बाउंस, 4 रन। उदेश मात्रे देखिए वहां पर हंसी उनके चेहरे पर। अरे ये इस टीम में 2 खिलाड़ी हमारी टीम के, ए ये घुसखोरी नहीं चलेगी साला। वो हमारा सफेद टी शर्ट वाला खिलाड़ी अच्छा है फील्डिंग के लिए। ये देखिए ओवर की समाप्ति, और रन संख्या पहले ओवर में थी 15, उसके बाद अजय ने अच्छी गेंदबाजी की, 10 10 रन दिए। अब आए फिरकी के बादशाह विलास गोवारी, हाँ नजीम गुल्ली के मौसी के लड़के, वैभव के लिए गेंदबाजी करेंगे। इनके हाथों मुंह से जब गेंद निकलती है ना तो समझ में नहीं आती बल्लेबाज को कैसी गेंद मारी जाए। ये देखिए ये पहली गेंद, ये देखिए ओ माय गॉड, दो टांगों के बीच में से ये गेंद निकालते हुए, भाई टांग संभालना, ये खिलाड़ी बहुत डेंजर है। और यही सोच रहा होगा अब उदेश के हमारी तरफ गेंद आए, चल। ये देखिए गणेश वाड़ी में से दौड़ता हुआ, और वहां पर आकाश गेंद को उठ गए, वाड़ी में सोड़ा ईशाना कामते, अरे हाँ आसाना क्या हालत है बाबा, जरा संभल रहा। और ये देखिए ये गेंद आगे गा गा गा, ये सादा काम नहीं बाबा। नहीं, संतोष घाबरला बोलतो, संतोष का स्ट्राइक घेणार नाही विला आले हो, संतोष घाबरते। ये देखिए ये अगली गेंद ऊपर से उठा, ताकत का इस्तेमाल किया, वहां पर आ जाए, हाथ को झटकते हुए गेंद को उठाएंगे, सीधे देवी का पाड़ा के उधर से दावत है। आप देखिए ये आप इनकी बहुत परेशानी परेशानियां सामने, रोज एक दूसरे की टिंगल करते हुए, अब क्या होगा। संतोष और विलास ये रही है, ये प्लानिंग है विला की, प्लानिंग है। ओम भगनी भुगे भागो दरी, ओम भग स्वाहा, आया 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 आया, रमाजे पिलिया। हे प्रभु ये क्या हुआ। ओम भट स्वाहा, अभी फिर वहां पर तलोजा एमआरडीसी के जाऊ है। देखिए संतोष को जिस तरह
गेंद डाली ना, कुछ समझ में नहीं आया। चलिए जल्दी से जल्दी, बहुत हो गई। देखिए 15, 10 और 5, अब इस ओवर में शायद 2.5 रन देंगे तो 30 रन हो गए, 30। और नए गेंदबाज आए आकाश, अब पिछले मैच में बहुत सारे रन दिए थे, आप फिर से भरोसा जताया है, तो देखेंगे संतोष आकाश के ऊपर कैसे टूट गिरेंगे और आकाश कैसे इनकी विकेट निकालेंगे। ये देखिए रन अप देखिए, ए उदेश, ये देखिए उदिया, ए वॉलीबॉल खेल रहा हो, आजा, ए आजा काया, अरे उदय क्या करे, उदय कैसी बॉल रोक रहे, तू वॉलीबॉल खेल रहा है लेग भाई। हाँ चलिए चलिए दौड़ाइए, विशाल पावनीकर क्या कर रहा है उधर, इधर उधर दौड़ रहा है। चलिए दो कप्तान आइए, सुहास और अमोल, ये देखिए ये वाइट और राजा, अगर बॉल नहीं पकड़ेंगे तो उद्देश्य है, टेंशन मत लो भाई। अगली गेंद ये रही फिर से आपके सामने, ये देखिए यॉर्कर का इस्तेमाल किया इस वक्त, ऑफ साइड वाला यॉर्कर एरिया, ये देखिए ट्रॉम्बे का गेंदबाज लाए, मां काय कर चिला था, बाबा रे बाबा, यही उपाय था बाबा, तो विशाल तिकरून धावतला इकडे, अंपायर प्रीट है, प्रीट प्रीट। देखिए रन संख्या पिछले ओवर में विलास ने 5 दी थी, अब शायद वो आकाश को पसंद नहीं है तो शायद मैंने चलो 10-15 दे देंगे, क्या होता है उसको तो ये 9 है और फ्रीट है और 38 फ्रीट का मुकाबला है ये। चलिए फ्रीट देखते कैसे है, ये देखिए ये क्या है, ये फिर से वाइट, संतोष ताकत का इस्तेमाल, हम गए थे टेम्बोडा में लेकर संतोष को तो 2 लगातार छक्के लगाए थे, ये देखिए ये ताकत थोड़ी कम है, ये डॉट गेंद वाइड गेंद को भर कर निकाला, रन संख्या जाकर पहुंची 39, 2 बॉल है, 3 बॉल है शायद, 3 बॉल, अभी भी 2 गेंदे है, 1 रन मिलेगी और वैभव खेला है कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 गेंदों में वैभव ने 5 रन बनाए, शायद अभी छक्का लगाएगा, आ रहा तुझा ला। ए हाँ देखिए अब यहां पर विकेट और एक गेंदे, रबाबा पंट्या, अब 6 छक्के लगाने वाले थे लेकिन गेंद बची है 1, तो आपको क्या करना है, 6 के 6 आपको 9 फेंकने, 11 नंबर की टी शर्ट, पहले टी शर्ट पहनी, मैच को पूरी तरह कालीमा फांस दिया, अब जाएंगे और वो गेंद भी उन्हीं को मिलेगी, बट ताकत ऐसी लगाओ कि छग्गा सीधे बॉन्ड लाइन के ऊपर से जाए और गेंद ऐसे फेंको कि पंट्या का स्टम उखाड़ा जाएगा। राजगोवारी, ओ माय गॉड, नाम बदल दिया यार, शादी होने के बाद आदमी क्या क्या बदलता है, ये कपड़े बदल के आया और नाम भी बदल के आया, राजगोवारी, ये ले चा माईला, आईना चा बाईना बोलता घेतले शोध आईना, चलो 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 चलो, एकला दा, चलो, और रन संख्या बनी है 42 आणि 43 धावांचं टार्गेट। चला सुहास मात्रे आणि अमोल टॉस उडवला या, देखिए ये सेमी फाइनल है, इसमें अगर जीतोगे नहीं तो फिर बाद में पछताओगे, 365 दिन उसके बाद आपको ये चन्या निशान की ट्रॉफी,
चलिए यहाँ पर आप देख सकते हो, चलिए दो कप्तान सुहास अमोल किधर है, चलिए आइए चलिए चलिए, हम टॉस के लिए बोलते विलास वावेकर, चल टॉस करो। तो चलिए अमोल टॉस करने के लिए, दो कप्तान आइए। चलिए टॉस किया जाएगा, विलास वावेकर आइए। चलिए या चलिए कप्तान सुभाष भद्रे आइए। नहीं, ये ऐसा नहीं है, कप्तान को आना पड़ेगा। आप साथ में कितने भी खिलाड़ी लाओ, लेकिन कप्तान को आना पड़ेगा। नहीं, मैं दोन बॉल कमी खेल मा, ए मैच चालू करा रे। चलिए चलिए, तो यहाँ पर दो कप्तान हैं, एक तरफ है अक्षय म्हात्रे, उस दूसरी तरफ अमोल, दो टीम के बीच दूसरा सेमीफाइनल आणि काटा, तर काय डिसीजन डिसीजन काय असेल? बिल्डिंग बिल्डिंग, समोरचा संघ पॉवरफुल आहे, तर समोरच्या संघाला तुम्ही किती धावांपर्यंत थांबू शकाल? चार ओवर, चार जो चार ओवरचा सामना आहे 30 धावांचा प्रयत्न करू आम्ही। आणि तुमचा दोन जे बॉलर आहेत ते कुठले असतील, म्हणजे त्यांच्यावरती तुमचा जास्त विश्वास आहे? मी स्वतः आणि भाई मात्र आहे। मगाशी तुम्ही भरपूर न्याल पडले ते बघितलं आम्ही, अजून दोन जे बॉलर आहेत ते कोण आहेत? आर्यन जावरे, अच्छा, नांगरवाडी एक्सप्रेस। वो प्लेयर को आपने जब मांगा नांगरवाड़ी से, तो आपको कितने में पड़ा वो प्लेयर? ओ करे कम से कम 12,45,000 तो आपने कैश दिया चेक दिया? ओनली कैश कैश लेता है। लेता है। तो अब उसके ऊपर आपकी निगाह रहेगी, तो 30 रन बनाने के लिए आप तैयार है। चलिए आपको हम शुभकामनाएं देते हैं और अमोल की तरफ चलते हैं। अमोल आइए, चलिए आइए अमोल, नहीं, आइए आइए चलिए। तो अमोल बल्लेबाजी आई है, तो कितने रन आप बनाओगे? कम से कम हम 50 रन बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा कितना? ज्यादा से ज्यादा 55। उनमें से आप कितने खुद बनाओगे? मैं तकरीबन 15-20 रन बना लूंगा। तो पहले मैच में 2 या 3 बनाए थे, वहां पर क्या हुआ था? वहां पर थोड़ा तेज गेंदबाज था, इसके लिए मुझे कुछ जमा नहीं। अभी इनके गेंदबाज कुछ काम के है नहीं, अभी उनको टपाटप मारने के। तो किस गेंद का गेंदबाज के ऊपर ज्यादा आप बड़े स्ट्रोक लगाओगे? अक्षय म्हात्रे, इनको ही हम पीसने वाले हैं आज। लेकिन कामोटा टेनिस क्रिकेट में वो उनको विराट कहा जाता है, फिर भी आप उनके ऊपर 6 गेंदों में कितने रन बनाओगे अगर आपको मौका मिला? कम से कम 15 रन तो ठोकूंगा उसको। चलिए आपको ढेर सारी बधाइयां, और इसके बाद ये मुकाबला देखने को मजा आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, टारगेट बहुत बड़ा है, और टारगेट को बनाने के लिए बड़े खिलाड़ी मैदान के अंदर। एक तरफ है केदार म्हात्रे जो स्ट्राइक पर डटे हैं, और दूसरी तरफ नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े हैं विलास गोबारी, और गेंदबाजी के लिए आए हैं बाला। ये देखिए पहली गेंद, यहाँ पर मौका हो सकता है, खिलाड़ी दौड़ चुका है, कैच की संभावना नहीं है, गेंद गई वन बाउंस, सीमा रेखा की बाहर नहीं जाएगी, गई गई गिली गिली चंपा खुश हुई रंभा। ये देखिए, ये मौका था, 4 रन आएंगे, स्कोर जाएगा आगे 5 रन, शुरुआत तो की है। ये देखिए यहाँ पर मैदान की तरफ आप देख रहे हो, देखो मैं एक आदमी को यहाँ पर दिखा रहा हूं तुमको, जो जय हनुमान कामोठे के बड़े टीम में देखने को मिलता है, वैसी कॉपी आज यहाँ पर मंगाई है पिंटिया पावनेकर, देखो सेम निकू लग रहे हो।
पिंटिया जी जरा हाथ कीजिए ऊपर, आ देखिए उसी की तरह दाढ़ी बढ़ाई है। तो रन संख्या हुई है 7 रन। देखो इस टारगेट है 43 43। ये देखिए ताकत का इस्तेमाल पंट्या, ओ माय गॉड, ये देखिए वही पर, ओ माय गॉड फुटबॉल क्या महिला भर की जाऊ दे एकदाशी। ये देखिए 12,45,000 का खिलाड़ी आया। हाथ करो भाई हाथ करो, माइसा देखिए एक कुरमुरे लाइट की तरह बाल जो बना वो काफी पसंद है, लव यू यार। देखिए वैभव हाथ की घड़ी तोंड पे बोट, ऊपर से उठाया बड़ा 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 और आई हुआ कैच के लिए यहां पर कुछ नहीं है। 17 रन आए इस ओवर में, खतरा बन गया अभी फंटिया को। अब क्या करेंगे, अब यही कहेंगे तेरा क्या होगा कालिया, अब क्या होगा देखना होगा। अब विलास गोवारी आए, बालू ने तो अपना काम किया, अब विलास की बारी है। और गेंदबाज देखिए वैभव मात्रे जूनियर अश्विन, कितने रन, 17 रन आए 4 ओवर का मुकाबला। चले ज्यादा वक्त नहीं लेना आपको, पहले ही बोल रहा हूं मैं, ज्यादा वक्त लोगे तो तकलीफ होगी भाई आगे खेलने के लिए। वैभव आए गेंदबाजी के लिए, छाती देखिए कितनी पुगाई है उसने, आ ये देखिए पहली गेंद, ओ माय गॉड, ए ए ए आ गए आ गग गग। ये देखिए ऐसी गेंद डालोगे ना भाई तो विलिया, ये कौन दौड़ रहे हो, अबे इतना मत दौड़ यार। और आप छोटे खिलाड़ी को वो आप जब गेंदबाजी दोगे ना तब आपकी मैच जो है ना घूम जाएगी। वैभव पहली गेंद के ऊपर चौका दिया आपने, आप यहाँ पर स्कोरबोर्ड 23 के घर में जाता हुआ, रन संख्या देख 21 के घर में जाता हुआ। देखिए यहाँ पर अगली गेंद लोअर फुल्टर, देखिए विलास गोवारी ये साधारण खिलाड़ी नहीं रहे, ये भोलेनाथ में कम खेलते थे इसकी, इसीलिए उनकी बल्लेबाजी किसी को देखने को नहीं मिली, लेकिन जब भी उतारते थे तो बहुत ही बेहतरीन खेलते थे। आपने केजीएन में देखा विलास गोवारी को, आप देख सकते हो। तो अब यहाँ पर अपने आप का रेट बढ़ाते हुए विलास गोवारी महंगे साबित हो गए। अगली गेंद वैभव की, ये देखिए अपर कट करने का प्रयास था वहां पर, एक आदमी गेंद को रोका। और आएंगे केदार, इस ओवर की बात करूं तो अब तक 3 गेंदे हो चुकी है और रन संख्या हो चुकी है 26, तो 43 रनों का टारगेट है, तो 17 रनों की अभी भी दूरी है। तो यहां से अगर कौन सी टीम जीतेगी डायरेक्ट फाइनल में, मतलब एक ट्रॉफी तो कंफर्म है। ये देखिए घुमाया, ऐसी गेंदबाजी करनी होगी, आप देख सकते हो वैभव आप अपने करिश्मे को ब्रह्मास्त्र को बाहर निकालते हुए। कद छोटा है लेकिन गेंदबाजी का खेमा मोटा है। अगली गेंद, ये देखिए ये गेंद को बे छे, ए वैभव क्या हुआ यार, ये ना चल बे, हे प्रभु प्रेमानंद, 17 चाहिए भाई, अभी 11 चाहिए। अब धीरे धीरे हाथ से सटकते हुए ये मुकाबला, ये लो फिर से यहां पर मौका होगा, खिलाड़ी नहीं है वहां पर, बाला दौड़ेगा लेकिन टप्पा में उठाएगा। अब कितनी गेंदे बची है, और हो गई 12 गेंदे और 10 का समीकरण, 12 गेंदे 10। माय गॉड, ये देखिए सम्मान देते हुए केदार मात्रे,
क्योंकि उन्हें पता है 12 में 10 चाहिए, अब चाहिए 11 में 9 और पावनेकर परिवार से है छोटे खिलाड़ी, श्री नाम है इस गेंदबाज का। इतने कम उम्र में भी उनकी जो लाइन और लेंथ है और बॉलिंग की स्टाइल है ये काफी बढ़िया है। ये देखिए यहाँ पर छोटे को सम्मान देते हुए एक रन मिलाया, विघ्नेश पावनेकर के छोटे बंधु है ये। हर एक डॉट गेंद के लिए 100 रुपए का इनाम लगाया अपने बड़े भाई ने, बड़े भैया। आप देख सकते हो इस गेंदबाज को, देखो मैं सच में कह रहा हूं, बॉलिंग की स्टाइल, लाइन और लेंथ। और ये लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज है, ये देखिए अपर कट किया गेंद को, यहाँ पर जूनियर ये डुप्लीकेट नीकू गोवारी दौड़ते हुए आगे भाई मजे। दो रन अब जीतने के लिए, एक ही रन और 36, यानी कि अभी भी 7 रनों की दूरी है, 7 रनों की दूरी है। ये देखिए यहाँ पर श्री, ओहो श्री को सम्मान दिया और श्री ने विकेट निकाला, जो पिछले 2 गेंदबाजों को नहीं हो सका वो अब यहाँ पर श्री ने दिखलाया है। Oh my God, टर परदेसी, तुम तो टर परदेसी। आजर कम देना, हमारी वॉइस चुराई है। क्या बढ़िया साउंड मास्टर है यहाँ पर, जरूर मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और मैं बताना चाहूंगा रनों की जरूरत है, अभी 6 गेंदे 7 रनों की दूरी और 8 गेंदे और 7 रनों की दूरी, और श्री को विघ्नेश पावनेकर की तरफ से, बड़े भैया की तरफ से विकेट के लिए 200 रुपए का इनाम आ चुका है। ये देखिए ये गेंद वहां पर अच्छी हुई हाथ में मिली गेंद, वरना वहां पर एडमिट करना पड़ता। एक रन, अब 7 गेंदे 6 का समीकरण। विघ्नेश ने, बड़े भैया ने श्री के लिए 200 रुपए का इनाम जमा किया है, प्यार है। ये देखिए ये गेंद को उठाया और कैच, हो ओ माय गॉड, ये क्या हुआ, भिंदड़ भिंदड़। ये देखिए श्री को सम्मान देने के चक्कर में 2 विकेट तो चले गए। अब चेतन गोवारी इनकी तरफ से, अगर श्री ने कैच को लपक लिया, अब पकड़ ली, तो उसकी वजह से चेतन गोवारी ने 100 रुपए दिया है, राइडर ने 100 रुपए दिया श्री को। ये प्यार है बड़ों का छोटों के ऊपर, लेकिन श्री को सम्मान देने के चक्कर में 2 विकेट गए। ठीक है भाई, सम्मान तो दिया, हमारा जीवन मान सम्मान से ही आगे बढ़ता है। तो देखिए गेंदबाज आए, रनों की जरूरत है, 6 गेंदे 5 का समीकरण, कुछ भी हो सकता है। सुजल गेंदबाज, ये देखिए यहाँ पर सुजल है गेंदबाजी के लिए, और अजय पावनेकर, अंकुर सिंह यहाँ पर कुछ बातचीत करते हुए, कुछ तो बताया है अजय ने कैसे खेलना है। ये हमारे अतुल पाटिल के स्टाइल से अगर 1 छक्का लगाएंगे तो मैच फिनिश, बड़े भैया है हमारे। ये देखिए ऊपर से उठाया, ये कैच हो सकता है, गब्बा है माजे, बहुत आगे। ये क्या हुआ पता है, चट साला बहुत पूरा गया, चट साला
बहुत फुर गया। अभी फंटिया की देखिए क्या हालत हो चुकी है। मिकारिन बरखी चौवा अगर नहीं आता ना तो पसीना निकल जाता था। चलिए यहाँ पर ये देखिए एक रन निकाली और अरे जीत गए भाई एक पैजे जीत गए भाई जीत गए यार। अरे ना आउते जिकले ये अरे छह बॉल में पांच छह थे एक चौवा एक रन आए तो और कितनी निकल गए। पंटिया आई भाई भाई बाबू ये आता तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ दो मिनट